हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है पाइल्स। पाइल्स कहें तो बवासीर, बवासीर कहें तो हिमोरॉयड, यानी हिमोरॉयड के नाम से भी जानते हैं। बवासीर को पाइल्स भी कहते हैं, हिमोरॉयड भी कहते हैं। तो जो हिमोरॉयड होता है, ये बवासीर होता है और इसमें ब्लीडिंग होती है। जो आपकी वेन्स होती है, इसमें होता क्या है, जो आपका गुदा द्वार होता है या फिर कहें तो लैट्रिन का जो रास्ता होता है, लैट्रिन का जो मुहाना होता है, वहां पे वेन्स में सूजन आ जाती है, यानी वेन्स सूज जाती है और उसकी वजह से आपको ये समस्या होने लगती है। जब भी आप लैट्रिन करते हैं तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये कि आपका जो इंटरनल पाइल्स होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। तो इंटरनल जो पाइल्स होती है, जो वेन्यूल्स होते हैं, वो लैट्रिन का जो मुहाना होता है उसके अंदर सूज जाती है, यानी अंदर सूजने की वजह से जब लैट्रिन आती है तो उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लीडिंग होने लगता है, या फिर कहें तो वेन्यूल्स फट जाती है, फटने की वजह से ब्लीडिंग होने लगता है। जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है, एक्सटर्नल पाइल्स में जो मस्सा बना रहता है, वो मस्सा वैसे ही रहता है, कभी कभार दिक्कत करता है, एक्सटर्नल वाला बहुत ही कम दिक्कत करता है, वैसे ही पड़ा रहता है। तो साथियों, जो पाइल्स होती है, पाइल्स में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब ये वेन्यूल्स फटते हैं और उसके साथ साथ जलन होती है, बैठने पर भी दिक्कत होती है, लैट्रिन के रास्ते भी कहें तो जब लैट्रिन आता है तो भी दिक्कत होती है और उसके बाद तक भी दिक्कत होती है, यानी कि जलन होती है आपके लैट्रिन के रास्ते में, हमेशा जलन होती रहती है, आप परेशान रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है और गैस ज्यादा बनती है। तो साथियों, खूनी बवासीर को ठीक करने के लिए मैं जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, इस मेडिसिन को आप यूज करेंगे और उसके साथ साथ एक मेडिसिन लास्ट में बताऊंगा जिसको कि आप यूज करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा इन मेडिसिन के साथ में। तो जो साथियों, इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है, सबसे पहली मेडिसिन का नाम है हेमामेलिस। साथियों, जो हेमामेलिस मेडिसिन होती है, ये खूनी बवासीर से पीड़ित रोगी के मस्सों से काला खून बह रहा हो, इसमें रोगी को हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, खून अधिक मात्रा में निकलता है, गुदा में तपकन महसूस होती है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए हेमामेलिस औषधि के मूलार्क यूज कर सकते हैं या फिर 6 शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, 30 शक्ति का भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं मिले तो 30 शक्ति में दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, दूसरी मेडिसिन आती है नक्सभूमिका और सल्फर। नक्सभूमिका और सल्फर को मैं बता दूं कि आपको 30 पावर में पहले लें, 30 पावर में सल्फर को सुबह सिर्फ एक बार लेना है, ये ध्यान रहे आपको, शाम को नहीं लेना है, ये ध्यान रहे, सल्फर सुबह लेना है और नक्सभूमिका को रात में लेना है, यानी नाइट में लेना है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे क्या वाह मेडिसिन है। साथियों, इसके बाद जैसे कुछ दिन लेने के बाद आपको जब रिलैक्स हो जाए तो सल्फर वनियम यूज करना है। सल्फर वनियम सिर्फ एक खुराक लेना है एक महीने में, यानी कि एक महीने में एक खुराक लेके बंद कर देना है, यानी खुराक एक ही बार लेना है, यानी कि दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कहें तो नक्सभूमिका को यूज करते रहना है। नक्सभूमिका सुबह दोपहर शाम लेंगे। लेकिन इसके बाद तीसरी मेडिसिन आती है डॉलिकस लवलव, इसको बोलते हैं डॉलिकस। साथियों, डॉलिकस जो होती है खूनी बवासीर के रोग को ठीक करने के लिए डॉलिकस औषधि के मूलार्क, यानी कहें तो मूल अर्क यानी मदर टिंचर, एक बार कुछ दिनों तक दो तीन बार प्रतिदिन सेवन करने से लाभ मिलता है। इसके प्रभाव से कुछ ही दिन में बवासीर मस्सों में खून आना बंद हो जाता है। चौथी मेडिसिन आती है साथियों, इसमें जो चौथा मेडिसिन है वो है फ्यूकस। इसको फ्यूकस बोलते हैं, ये फिकस लिखा है लेकिन फ्यूकस बोलते हैं, फ्यूकस रिलीजियोसा। खूनी बवासीर को ठीक करने में डॉलिकस औषधि से लाभ न मिले तो आपको फ्यूकस रिलीजियोसा औषधि के मूलार्क यानी मदर टिंचर का यूज करना है और इसके साथ साथ निम्न शक्ति उसके बाद यूज करेंगे, जैसे कि 30 पावर में आपको सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद लेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथियों, पांचवी मेडिसिन आती है फास्फोरस। फास्फोरस जो होती है खूनी बवासीर से पीड़ित रोगी जब मल त्याग करता है तो हर बार मल त्याग होने के बाद खून की पिचकारी सी छूटती है, ऐसे रोगी के रोग को उपचार करने के लिए फास्फोरस औषधि की 30 शक्ति की मात्रा का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। आप यूज करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। किसी भी अंग में खून
आने पर इस औषधि का उपचार लाभदायक होता है, यानी कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम 30 पावर में यानी कि 30 पावर में लें तो बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, जो मैंने बताया कि लास्ट में मेडिसिन बताऊंगा, तो उस मेडिसिन का नाम है हेमामेलिस गोल्ड। हेमामेलिस गोल्ड, ये देखिए, यह है हेमामेलिस गोल्ड। हेमामेलिस गोल्ड को आपको कहें तो शुरुआती दौर में 15 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना है। जब आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए तो आपको 15 बूंद सुबह में 15 बूंद शाम को कुछ दिन लेना है, फिर उसके बाद 15 बूंद एक बार लेते रहना है कुछ दिनों तक, फिर इसके बाद बंद करना है। तो साथियों, इस तरह से आपकी बवासीर जो होती है या फिर पाइल्स या हिमोराइड का ट्रीटमेंट हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो साथियों, लास्ट में मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको आसानी से मिल जाया करे। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही।